मैं क्या बोलूं, आपके सबके सामने ही है आज कैसी परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम की। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं कुछ बोलता हूं तो फिर आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से, इसलिए जेलिसी के अंदर बोल रहा है। हालांकि जब इंडिया जीतता है तो मैं तारीफें भी करता हूं, उसके अलावा जब पाकिस्तान भी हारता है ना, पाकिस्तान की टीम बुरा परफॉर्म करती है, तो मैं उनको भी क्रिटिसाइज करता हूँ अच्छा खासा। लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि यार ये बस जेलिसी में बोल रहा होता है क्योंकि ये पाकिस्तानी है। अब आप सबके सामने है परफॉर्मेंस, मेरे आपसे सिर्फ कुछ सवाल है, आपने उनको कमेंट्स में जवाब दे देना कि आप समझते हैं कि ये क्या है, क्या वजह है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपके सामने आज इंडिया की परफॉर्मेंस, मैं मानता हूँ कि 8 प्लेयर इनके नहीं खेल रहे थे, जिसमें से 6 टीम के प्लेयर्स थे, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, पांड्या ब्रदर्स, दीपक चाहर, ये सारे मेन इनके बंदे थे जो आज नहीं खेल रहे थे, क्योंकि हम सब जानते क्या पीछे हुआ था। फिर भी अगर बात की जाए तो सिर्फ आज इंडिया 5 बैट्समैन के साथ खेल रहा था, जिसना पिछले मैच में भी खेला था, लेकिन पिछले मैच में इंडिया ने अच्छा खासा फाइट किया था, आखिरी ओवर तक मैच गया था। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि शेखर धवन का पहले बैटिंग करने का डिसीजन, आप समझते हैं कि क्या ये सही था डिसीजन? क्योंकि अगर आप देखें तो हम सब जानते हैं कि इंडिया के पास सिर्फ 5 बैट्समैन थे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग आज बहुत अच्छी थी, पिछले मैच में भी अच्छी रही है, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी खासी स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं। तो अगर आप पहले बॉलिंग करके कम स्कोर पे इंडिया की, श्रीलंका की बैटिंग को आउट कर लेते, ताकि आपके बैट्समैन के, जो 5 बैट्समैन खेले, उन पर प्रेशर कम होता, ये मेरा ओपिनियन। में भी आप इससे अगेंस्ट करें तो आप अपना कमेंट्स में बता सकते हैं, पहला सवाल था। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप खुद ही बताएं, ये जो 5 बैट्समैन खेल रहे थे, शेखर धवन, पांडिकल, उसके अलावा संजू सैमसन, नीतीश राणा और एक और ओपनर, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो चेन्नई से भी आई थिंक ओपनिंग करता है, ये 5 बैट्समैन खेल रहे थे, क्या आप ये समझते हैं इनमें से 4 बैट्समैन, संजू सैमसन, नीतीश राणा, शेखर धवन और पांडिकल, इनको हम देखते आए आईपीएल में, कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, हर सिचुएशन में ये खेल चुके हैं आईपीएल के अंदर, बड़े से बड़ा मैच इन्होंने हारा हुआ जितवा दिया हुआ अपनी टीम को, तो क्या ये बंदे 15 ओवर भी नहीं बैटिंग कर सकते? ये मेरा सवाल है, क्या ये बंदे 15 ओवर भी बैटिंग नहीं कर सकते? हमने देखा भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव को अच्छी खासी उन्होंने बैटिंग कर ली थी 10 ओवर तक, जब वो लोग बैटिंग कर सकते हैं, जब वो लोग श्रीलंका की बॉलिंग को खेल सकते हैं, तो या क्या ये 5 बैट्समैन नहीं खेल सकते? नो डाउट श्रीलंका ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर भी आप भी तो 5 बैट्समैन थे, आपको भी तो थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए था। तीसरा मेरा सवाल ये है कि संजू सैमसन और नीतीश राणा, इन दो बंदों को यकीन करो मैं पिछले 6 साल से आईपीएल के अंदर देख रहा हूँ, और नो डाउट ये आईपीएल के, जिसको कहते हैं ना, बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ये आईपीएल के अंदर, मैंने इनको देखा है बहुत से मैच जितवाते हुए सिंगल हैंडली, लेकिन इनको क्या हो गया इंटरनेशनल टीम में आके कि इनसे खेला ही नहीं जा रहा? मतलब आप सब देख सकते हैं जो मैच में आज हुआ है कि वो किस किस तरह डिफेंसिव इंडिया आज खेल रहा था, बिल्कुल मेरी समझ से बाहर था। श्रीलंका की जहां तक बात की जाए तो आपने देखा श्रीलंका को फील्डिंग के अंदर 4-4 खिलाड़ी एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं, उसके अलावा उनके कैचेस उन्होंने कितने जबरदस्त पकड़े, और अलग से ही कॉन्फिडेंस था, सिर्फ एक मैच को पिछला जीते हैं उनके अंदर, लेकिन फिर भी आप देखें तो इंडिया ने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला था, लेकिन आज इनको ऐसा क्या हो गया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। 5 बैट्समैन कोई कम बैट्समैन नहीं होते, भुवनेश्वर कुमार भी आपका बैटिंग कर लेता होता है, लेकिन अगर आप 130 140 भी कर देते तो इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि इंडिया आज का मैच जीत जाता। तो किसी को कुछ बोलने का, कुछ मैं बोलने का आज मूड नहीं है, क्योंकि 8 प्लेयर्स इसके खेल नहीं रहे थे इंडिया के, लेकिन फिर भी मैं इतनी पुअर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंडिया से, क्योंकि इंडिया की टीम एक बहुत अच्छी टीम है, और रही बात इस टीम की, जो टीम खेल रही थी इसमें भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, हम सब ने देखा है इनको खेलते हुए आईपीएल के अंदर, लेकिन इनको क्या हुआ है समझ से बाहर है कि इतनी इन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी है। मे भी आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अजय जडेजा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी मैच शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा था कि जब आने वाले वक्त में जब इंडिया और श्रीलंका का कोई जिक्र होगा तो उस पर वो सिर्फ यही बात करेंगे कि इंडिया जीत गया था या श्रीलंका जीत गया था, कोई ये बात नहीं करेगा कि इंडिया की कमजोर टीम थी तो इंडिया हार गया, या इंडिया की कमजोर टीम ने श्रीलंका को हरा दिया। सिर्फ एक ही चीज याद रखी जाएगी, वो ये है कि इंडिया जीता या श्रीलंका जीता। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये की बात कहना चाहूंगा, जब कोई भी प्लेयर टीम में ऐसा टीम मेंबर खेल रहा हो तो वो किसी से कम नहीं होता, वो लेवल का प्लेयर होता है, इसलिए वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। माशाल्लाह से इंडिया की 130 करोड़ आबादी से भी ज्यादा होगी, उसमें से चंद प्लेयर का टीम को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बात होती है, तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आप बेस्ट हो तभी आप सेलेक्ट हुए हो टीम के लिए, तो आपको अपनी टीम को भी अच्छा
इन रिटर्न देना चाहिए। तो आज इंडिया तो हार गया, तो अब क्या कह सकते हैं, हार गया, सीरीज हार गया, श्रीलंका सीरीज जीत गया। वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के लिए एक अच्छा बूस्टअप है। श्रीलंका आने वाले वक्त में और अच्छी प्रैक्टिस करके, जो एक मिसिंग कर रहा था ना श्रीलंका कॉन्फिडेंस, वो उनको अब मिल गया है, वो इंडिया की बदौलत इनको मिल गया। ये मे बी अब आने वाले वक्त में अच्छी जो टीम थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहनत तो करते हैं ये लोग, नजर आ रहा था। लेकिन एक ही कमी थी इनके अंदर, वो थी विनिंग, इनकी विनिंग की जो कैपेसिटी थी वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब दो लगातार मैचेस जीत गए तो ये भी इनके अंदर आ गई है। मैं विश करता हूँ कि मिकी ऑथर और इनकी टीम जो ये है श्रीलंका की, ये आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करें। और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया की भी अब तो मे बी इंडिया की मेन टीम ही खेला करेगी, मे बी शायद ये लोग जाएं दोबारा कोई टूर करें। लेकिन अभी तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें बड़े से बड़े प्लेयर देखने को मिलेंगे, तो वो तो बहुत मजे की होने वाली है। खैर, आज का मैच खत्म हुआ, सीरीज खत्म हुई। मैं चाह रहा था कि इंडिया जीत जाए, क्योंकि मैंने शौक था, मैंने देखा जो हो गया है वो पता नहीं कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि इंडिया ही जीतेगा, इंडिया की जीत पे वीडियो बनाएंगे। खैर, अब इंडिया हार गया है। आप मुझे बता दीजिए कमेंट में कि किसकी गलती थी, क्या वजह हुई, आप बता दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।